यूपी में नहीं सुरक्षित है पुलिस। बदायूं में बदमाशों ने पुलिस टीम पर किया हमला, एक इंस्पेक्टर शहीद, दो सिपाही घायल, एक को बरेली किया गया रेफर, एक बदमाश गिरफ्तार। मथुरा में पशुओं से भरे ट्रक को देखकर लोगों ने किया हंगामा, पशुओं को उतारकर ट्रक में लगाई आग, जाम लगाने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हापुड़ में दिखी पुलिस की बेरहमी, मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक से पिटाई कर कबूलाया गुना। दिल्ली में आप विधायक दिनेश मोहनिया पर महिलाओं ने लगाया बदसलूकी का आरोप, पानी को लेकर दफ्तर में कर रही थी प्रदर्शन, विधायक ने आरोपों को बताया गलत। हासन में एक बार फिर बस स्टैंड पर सरेआम हुई गुंडागर्दी, एक शख्स को कुछ लोगों ने जमकर पीटा, छोटे भाई से चाकूबाजी पर की पिटाई। फरीदाबाद में एक दुकानदार के परिजनों और पूर्व जिला परिषद चेयरमैन के रिश्तेदारों में हुई जमकर मारपीट, कई लोग हुए घायल। उज्जैन के पास करीब 100 लोग टोल नाके पर तोड़फोड़ करने पहुंचे, लेकिन पहले पुलिस डटी देखकर हुए फरार। कुछ दिनों पहले टोल पर एक सांसद से हुआ था विवाद। सीकर के खाटू श्याम जी में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या, कुछ लोगों ने बोलेरो गाड़ी समेत किया था उधार। झारखंड के रांची में मंत्री राज पालीवाल के जनता दरबार में एक महिला ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने सीज की शराब की खेप, एक शख्स गिरफ्तार, प्राइवेट बस से लाई जा रही थी शराब। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्रा ने दिखाई बहादुरी, मोबाइल झपटने वाले को रंगे हाथ पकड़ा। साहिबाबाद में हाइट बढ़ाने की दवा लेने के बाद 13 साल के मासूम अमुक की मौत, परिजनों ने पड़ोसी महिला पर दवा के नाम पर जहर देने का लगाया आरोप। मेरठ के तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने मृतक युवती के प्रेमी पुष्पेंद्र को हिरासत में लिया, संपत्ति विवाद से वारदात को जोड़कर देख रही पुलिस। हरियाणा के बल्लभगढ़ में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, पथराव में कई लोग हुए घायल। श्रीगंगानगर से सुरक्षा बल ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, चाइनीज पिस्टल और पंच बरामद। अब की बार नकलची शिक्षकों से बदनाम हुआ बिहार, कटिहार में डीईआईडी की परीक्षा में जमकर नकल करते दिखे शिक्षक। बाड़मेर पुलिस ने एक साध्वी की हत्या का किया पर्दाफाश, भतीजे ने ही रेप में नाकाम रहने पर गला दबाकर की हत्या, हुआ गिरफ्तार। कोल्हापुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र से दो लड़कियों ने 1,00,000 रुपए पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद की तस्वीर। हैदराबाद पुलिस ने 1300 जिलेटिन की छड़े और 1800 डेटोनेटर किए सीज, 4 लोग गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में दवा कंपनी में हुए धमाके में एक कर्मचारी की मौत, 2 लोग हुए घायल। पुणे में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के आरोप में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को पकड़ा, रिश्वत में मांगा था 65,000 का आईफोन। तमिलनाडु के होसुर में मंदिर में चोरी करने घुसे दो बदमाशों को गार्ड ने पकड़ा, 4 भाग निकले, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। आज ताशकंद रवाना होंगे पीएम मोदी, शांघाई सहयोग संगठन में एंट्री के बहाने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी मुलाकात, एनएसजी पर सहयोगी हो सकती है पहल। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी उथल पहल, महासचिव पद पर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा बहुजन समाज पार्टी का साथ, अखिलेश सरकार में बन सकते हैं मंत्री। मायावती ने मौर्य पर पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा देने का बढ़ा आरोप, कहा नहीं जाते तो खुद पार्टी से निकाल देती। अखिलेश सरकार के जेल राज्य मंत्री अयूब अंसारी का विवादित बयान, मुख्तार अंसारी को लखनऊ जेल में शिफ्ट किए जाने को बताया मुलायम और अखिलेश का फैसला। सीएम केजरीवाल के जल बोर्ड के इंजीनियर को सस्पेंड करने पर भड़के इंजीनियर्स, जल बोर्ड के मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। सीएम बादल ने पंजाब में ड्रग्स के बढ़ते कारोबार को बताया प्रोपेगेंडा, कहा हम इसे बढ़ावा नहीं दे रहे, अफगानिस्तान से आ रही है ड्रग्स। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला पर की विवादास्पद टिप्पणी, एम्स से ड्रग्स पर रिपोर्ट मांगने पर सांपला को बताया बेवकूफ। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से की बड़ी मुश्किल, जमीन घोटालों की जांच करने के लिए सीएम फडणवीस ने बनाई जांच कमेटी। महाराष्ट्र महिला आयोग ने भी अभिनेता सलमान खान के रेप वाले विवादित बयान पर जारी किया समन, 29 जून को सलमान खान को किया तलब। विवादों के बीच सलमान आईफा के लिए स्पेन रवाना, एयरपोर्ट पर दिखी सलमान की भारी सुरक्षा, विवादित बयान पर मीडिया। सलमान खान के बयान को कंगना रनौत और फराह खान ने बताया गलत, सलमान को दी माफी की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नगर निगम की बेहतरीन पहल, कचरा बेचकर कमा रहा है नगर निगम और शहर है चमत्कार। बिजनौर की सिरधनी नहर में सांप की एक जोड़ी की अटकेलिया, खींच रही है लोगों का ध्यान, सप्ताह भर से सांपों का जोड़ा रोज घंटों करता है रोमांस। गोंडा में नगर कोतवाली ने कराया गया प्रेमी जोड़ी का निकाह, 2 हफ्ते से दोनों घर से थे फरार, पुलिस ने परिजनों को शादी के लिए किया राजी। बोधगया के चाय विक्रेता जितेंद्र ने जीता विदेशी पर्यटक का दिल, एक पर्यटक ने मलेशिया में दिया पार्टी का न्योता, प्लेन की टिकट भी साथ भेजी।
लखीमपुर खीरी में एक बंदर ने सड़क पर जमकर मचाया उत्पात, चार लोगों को काटा, दो घंटे तक यातायात रहा जाम। औरंगाबाद में बिजली गिरने से चार लोगों की मौत, दाऊदनगर के मंझियावा में हुआ हादसा। नालंदा में भी टूटा आसमानी बिजली का कहर, चपेट में आने से चार लोगों की मौत। चीन में तूफान अलनीनो का बरपा भयानक कहर, हुनान में सैलाब से आई जबरदस्त तबाही, पार्किंग बनी कारों की जल समाधि। सैलाब में कागज की नाव की तरह तैरती नजर आई कार, एक शख्स बहती कार की छत पर चढ़कर जान बचाने की जद्दोजहद करता दिखा। शहर में नजर आया दरिया का मंजर, चलते चलते गायब हुई पैरों तली की जमीन। देखते देखते सैलाब में समा गई समूची इमारत, हुनान में अब तक 42 लोगों की मौत, 25 लापता। चीन के सिचुआन में पुलिस ने दो तस्करों को पकड़ा, पांच बंदूकों को छुड़ाया। सीरीज के आखिरी T20 मैच में जिम्बाब्वे को हराकर टीम इंडिया ने कप पर किया कब्जा, जिम्बाब्वे को 3 रनों से दी शिकस्त। We'll be right back.